हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सोई स्टूडेंट्स। अगर आप अपने बीए बीएससी बीकॉम के फर्स्ट ईयर के सेकेंड सेमेस्टर में हैं, तो जैसा कि जो आपका को कोरिकुलर पेपर होता है अनिवार्य प्रश्न पत्र, तो वो चाहे बीए के स्टूडेंट्स हों, बीएससी की हों या बीकॉम के हों, सभी का सेम होता है। तो आपको अपने सेकेंड सेमेस्टर में जो को कोरिकुलर का पेपर देना है वो है फर्स्ट एड एंड हेल्थ। तो आज की वीडियो में मैं उसी का मॉडल पेपर लेकर आ गई हूँ, और आज के मॉडल पेपर में मैं जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगी वो सभी आपके एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे। जो न्यू बैच 2023-24 के स्टूडेंट्स हैं, उनका एग्जाम होने वाला है, तो उनके लिए यह वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका, हैजा रोग का प्रभाव पड़ता है। तो देखिए, जो हैजा रोग होता है उसका प्रभाव सीधे छोटी आंत पर पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। हर क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखिएगा और अच्छे से याद कर लीजिए, यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में दिए जाएंगे। अगला है, टाइफाइड किससे फैलता है। तो बैक्टीरिया से टाइफाइड फैलता है, जो टाइफाइड बुखार हो जाता है वो बैक्टीरिया से फैलता है। फिर अगला प्रश्न है, लाल रक्त कण का रंग किस वजह से लाल होता है। देखिए, हमारा जो ब्लड है वो रेड कलर का होता है, तो ये रेड कलर का क्यों होता है, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और ये अक्सर एग्जाम में देखने को मिलता है और आपसे भी पूछ सकता है। तो हीमोग्लोबिन के कारण हमारा जो ब्लड है वो रेड कलर का होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। फिर है, हृदय का आकार होता है, जो हमारा हार्ट है उसका जो शेप है वो किस तरह का होता है, तो वो शंक्वाकार होता है। तो ऑप्शन नंबर डी शंक्वाकार आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिए, ये आपके पेपर में जरूर पूछेगा कि सर्वप्रथम प्राथमिक चिकित्सा किस देश में हुई। ये प्रश्न इसलिए आपसे पूछ देगा क्योंकि आपका जो पेपर है वही फर्स्ट एड एंड हेल्थ है। तो सबसे पहले प्राथमिक चिकित्सा भारत देश में शुरू हुई, हमारे भारत में ये शुरू हुई, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। यह अंग स्त्री प्रजनन तंत्र का हिस्सा है, जो स्त्री का प्रजनन तंत्र है उसका हिस्सा है, तो क्या है। देखिए, गर्भाशय भी प्रजनन तंत्र का ही एक हिस्सा है, और डिंब जो ग्रंथियां हैं वो भी प्रजनन का ही एक हिस्सा है, उसके अलावा डिंब नलिकाएं भी हैं। तो जब ये तीनों आपका करेक्ट है, तो आपके ऑप्शन में एक ऑप्शन दिया होगा पेपर में, उपर्युक्त सभी, यानी जब सब सही है तो आप तीनों पे तो अलग अलग टिक नहीं लगाएंगे, तो उपर्युक्त सभी पे आप टिक लगा दीजिएगा, तो आपका सब करेक्ट है। अगला है, स्तनों में स्त्रावी दूध में पाया जाता है। देखिए, जो स्तन से बच्चों के लिए जो दूध निकलता है, माँ के दूध में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, तो उसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं जो बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती हैं। तो उपर्युक्त सभी आपका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। अगला है, रुधिर की शुद्धि शरीर के किस अंग में होती है। देखिए, जो हमारा ब्लड है उसी को रुधिर बोलते हैं हिंदी में। तो जो रुधिर हमारा होता है ब्लड, वो किस तरह से हमारे शरीर के किस अंग में एकदम सफाई उसकी हो जाती है, तो फेफड़े में। देखिए, फेफड़े में ही हमारा जो ब्लड है जब पहुंचता है तो एकदम छन करके प्योर ब्लड हमारे पूरे बॉडी में नसों के द्वारा दौड़ता है, मांसपेशियों के द्वारा, तो फेफड़े जो है वो करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला है, कौन मानसिक रोग में शामिल नहीं है। तो इसमें से आपके ऑप्शन में से मानसिक रोग में शामिल नहीं है रूमेटिक फीवर, ऑप्शन नंबर डी, ये मानसिक रोग नहीं है। अगला है, एक बच्चे को मानसिक बीमारी का विकास होगा यदि उसे नहीं मिलता है, यानी कि अगर कोई बच्चा है तो उसे क्या चीज़ नहीं मिलेगी, तो वो मानसिक बीमारी में, मतलब उसको मानसिक बीमारी हो सकती है। तो देखिए, उसे स्नेह, प्रोत्साहन, मार्गदर्शन और अनुशासन अगर कुछ भी नहीं मिलेगा तो उसमें मानसिक बीमारी का विकास हो सकता है। तो उपर्युक्त सभी आपका राइट है, यानी ये सभी चीज़ें मतलब बच्चों के लिए ज़रूरी हैं। अगला है, सर्वप्रथम एड्स वायरस कब देखा गया। तो सबसे पहले जो एड्स वायरस है वो 1981 ईस्वी में देखा गया। अब देखिए, अगला प्रश्न है, मेंटल टेस्ट एंड मेजरमेंट पुस्तक के लेखक हैं। देखिए, ये एक बुक है, मेंटल टेस्ट एंड मेजरमेंट, तो इस बुक के राइटर कौन है, तो कैटल इस बुक के राइटर हैं। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ सकता है, तो हर प्रश्न को अच्छे से तैयार करके ही एग्जाम में जाइएगा। अगला है, प्राथमिक उपचार करने वाला हो सकता है। अब देखिए, प्राथमिक उपचार क्या होता है, जैसे अगर किसी का एक्सीडेंट हो गया तो उसको सबसे पहले जो उसके ब्लड को रोके, उसका घाव
को रिकवरी करने के लिए कुछ करे, उस पर कोई दवा लगाए, तो वो एक डॉक्टर भी हो सकता है, चाहे कोई अध्यापक भी हो सकता है, कोई स्काउट भी हो सकता है, तो कोई भी हो सकता है, कोई फैमिली मेम्बर भी हो सकता है ऑप्शन में, अगर आपसे ये भी दे दे तो सब हो सकते हैं। तो उपर्युक्त सभी, डी वाला आपका राइट है। फिर है परख नली, शिशु का विकास होता है तो इसका विकास गर्भाशय में होता है, यानी कि जब पेट में बच्चे होते हैं तब। अगला है गर्भाशय का भीतरी स्तर कहलाता है, जो गर्भाशय होता है स्त्री के अंदर पेट के अंदर, वो गर्भाशय का जो भीतरी भाग है वो क्या कहलाता है, भीतरी स्तर, तो वो एंडोमेट्रियम कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है कि लार का पीएच मान होता है, लार का पीएच मान कितना होता है ये जरूर पूछेगा आपके पेपर में। तो लार का जो पीएच मान है वो 6.8 होता है, तो इसको याद रखिएगा। ये सारे जो प्रश्न हैं ये आपके फर्स्ट एड एंड हेल्थ के पेपर के लिए तो इम्पॉर्टेंट हैं ही, उसके अलावा अगर आप किसी कंपटीशन एग्जाम को भी देंगे तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको हर फील्ड में, मतलब कोई भी कंपटीशन होता है उसमें पूछ सकता है, ये सारे प्रश्न पूछ सकते हैं। अगला है ग्रसनी की लंबाई कितनी होती है, जो ग्रसनी है उसकी लंबाई कितनी होती है, ये भी प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो उसकी लंबाई 10 से 12 सेंटीमीटर होती है। फिर अगला है हड्डी के जोड़ों पर अचानक झटका या जोर पड़ने से हड्डी में क्या होता है। तो देखिए, जब हड्डी पर ज़्यादा तेज, मतलब जोड़ों पर अगर कोई झटका पड़ जाए या कोई गिर जाता है तो झटका पड़ जाए तो उसमें मोच आ जाती है, जैसे अंदर चोट लग जाती है हड्डी में। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न है ग्रास नली को कहा जाता है, ग्रास नली को आहार नाल भी कहा जाता है, तो याद रखिएगा। वैसे जो स्टूडेंट साइंस पढ़ते हैं तो उनके लिए इस पेपर में थोड़ा आसानी होगी, क्योंकि वो सारी चीज़ें यही पढ़ते हैं। बीए और बीकॉम वाले स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा तैयार करना पड़ेगा, तो अच्छे से तैयार कर लीजिए। अब देखिए, अगला है बड़ी आंत के पहले भाग को कहा जाता है, तो बड़ी आंत के पहले भाग को सीकम कहा जाता है। अगला है सर्दी या जुकाम होने पर शरीर के आर्द्रता रहती है, तो शरीर में कितनी आर्द्रता रहती है यदि किसी मनुष्य को सर्दी या जुकाम हो जाए तो बहुत अधिक रहती है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। फिर है वृद्धि शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया, तो वृद्धि शब्द का प्रयोग सबसे पहले गाल्टन महोदय ने किया था, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। अगला है प्रतिवर्ती क्रिया का नियंत्रण निम्न में से कौन करता है, तो प्रतिवर्ती क्रिया का नियंत्रण मेरु रज्जु करता है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट है। फिर अगला है पागल कुत्ता काटने की बीमारी है, ये तो जरूर पेपर में पूछ देता है, तो पागल कुत्ता काटने की जो बीमारी है वो रेबीज है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है, टिक कर लीजिए। अगला प्रश्न है विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग उत्पन्न हो जाता है, तो अगर किसी के शरीर में विटामिन B1 की कमी हो जाती है तो उससे बेरी रोग होने का खतरा हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। फिर है शरीर को स्वच्छ रखने के लिए क्या आवश्यक होता है, तो देखिए संतुलित आहार आवश्यक होता है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट है। तो ये सभी प्रश्न तैयार कर लीजिए स्टूडेंट्स, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और स्टूडेंट्स, अगर आप बीए करते हैं और बीए के सेकेंड सेमेस्टर में अगर आप इंग्लिश लिटरेचर पढ़ते हैं या कार्यालय हिंदी और कंप्यूटर पढ़ते हैं या सोशियोलॉजी पढ़ते हैं या पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं या फिर मेडिवल हिस्ट्री पढ़ते हैं, तो इन सभी की क्लास चैनल पर स्टार्ट हो गई है और एक से लेकर सभी तक की यूनिट्स कंप्लीट करवा दी हैं, सभी की अलग अलग प्लेलिस्ट भी बना दी है। तो आप प्लेलिस्ट में अगर चेक करेंगे मेरे चैनल पर तो आपको अपनी सभी यूनिट्स पूरी नोट्स के साथ पढ़ने के लिए मिलेंगी, और साथ ही साथ एग्जाम की भी तैयारी करने के लिए मैं मॉडल पेपर की वीडियोज़ भी आपके लिए अपलोड करती हूँ। तो चैनल पर विजिट कीजिए, पसंद आया तो सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।